पार्टी प्रदेश नेतृत्व में कालका विधानसभा में संगठन मंत्री का कार्यभार देख रहे प्रवीण हुड्डा को कालका विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि अभी कुछ दिन पूर्व ही प्रवीण हुड्डा द्वारा कालका विधानसभा में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करवाया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष नवीन जय हिंद की शिरकत की थी। कार्यकर्ता सम्मेलन की सफलता से खुश होकर व प्रवीण हुड्डा की मेहनत व लग्न देखते हुए उनके द्वारा आम आदमी पार्टी के माध्यम से कालका विधानसभा में हर एक राजनीति व सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहने के परिणाम स्वरूप प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर आज प्रदेश सह संगठन मंत्री अजय गौतम ने उन्हें कालका विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति पत्र सौंपा। एक बात बहुत कही गई थी, कुछ लोग पार्टी को बदनाम करने के लिए पार्टी के नाम से अनऑथराइज तरीके से प्रेस नोट भी भेज रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि उनको आम आदमी पार्टी से ना जोड़ा जाए, ऑथराइज के अलावा कोई और प्रेस नोट आपके पास। गौतम जी एक सवाल।